नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे रामायण कथा। वैसे तो रामायण कथा बहुत ही लंबी है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में शॉर्ट में ऐसा कथा बताएंगे जिससे आपको पूरा रामायण का निचोड़ आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आप सबसे हमारी विनती है। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड में विभाजित है। तो चलिए शुरू करते हैं बालकांड से। राम सीता का जन्म कथा। प्राचीन काल की बात है, सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे बड़ी वाली का कौशल्या, कैकेयी और छोटी वाली का सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी यानी आगे का वंशज बढ़ाने के लिए उनकी कमी हमेशा सताती थी। आखिर आने वाले समय में कौन उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, कौन राजा बनेगा, इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामहिष्टी यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से मान और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने महल ले गए। सीत के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। श्री राम सीता विवाह। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्म पत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यात्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता की विवाह कराने की शर्त रखी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश की, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आए तो उन्होंने श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम और विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति से संपन्न हो गया। दूसरा अध्याय है अयोध्या कांड। अयोध्या राज घराने में षड्यंत्र। राज अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। सभी भाइयों राम में सबसे बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी पत्नी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम था सुमित्रा।
जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ ककई अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी ककई ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी, तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ मांगने के लिए पूछा था, पर ककई ने कहा था कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर ककई ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ ककई की बातों का आशीर्वाद माना और 14 वर्ष तक सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को, अपार दुख को, इस बड़ा दुख को राजा दशरथ नहीं सह पाए और उनकी मृत्यु हो गई। ककई के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। तीसरा अध्याय है अरण्यकांड। 14 वर्ष का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों को संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन सूर्पनखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की पूरी कोशिश की, पर राम ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ कर देखो। तब सूर्पनखा ने लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब सूर्पनखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से सूर्पनखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब सूर्पनखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। अगला पाठ है सीता हरण। योजना के तहत रावण ने मारे चिराक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारिच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं नहीं जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारिच को लगा, वह अपने असली राक्षस का रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए राम के आवाज में पुकारने लगा। सीता ने जब राम के आवाज में उस राक्षस के बिलाप को देखा तो वो घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम के मदद के लिए बन जाने को लिए कहा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो वो कुटिया की ओर भागे और वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम बिलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। चौथा अध्याय है किष्किंधा कांड। राम और हनुमान।
हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनसे उनका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकर यानी अपने जेवरात फेंक दिए थे। वह सुग्रीव के सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार वो जेवरात दिखाए, तो राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान सुग्रीव जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे, तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था, जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था, तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने बानरों से बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। अगला पाठ है लंका की ओर हनुमान की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन खुश हो गया, हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें और जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं, ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूरा कर न लूं, मेरे जीवन में विश्राम का कोई जगह नहीं है, और वे उड़ाते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा ना सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। हनुमान लंका दहन की कहानी। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका
तो हनुमान ने एक जोर का घुसा दिया तो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने का आदेश दी। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की पूरी इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वे बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्होंने बताई। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मेरी यानी मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। मेरी मुलाकात जानकी माता से कैसे होगा? पांचवा है सुंदर कांड, पांचवा अध्याय, अशोक वाटिका में हनुमान सीता का भेंट। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुँचा और माता सीता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया जा रहा था, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद की और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी यानी नीचे गिरा दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर माता सीता के आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई अगली चाल तो नहीं। तब माता सीता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद श्री हनुमान जी ने प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को देखने के लिए चिन्ह मांगा तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार दिए। अगला पाठ है हनुमान लंका दहन। हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक की वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुँचा दिया। कुछ देर के बाद जब रावण को जब अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाथ का बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ नहीं कर पाने के बाद मेघनाथ ने ब्रह्मशस्त्र चला दिया। ब्रह्मशस्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधन में बंध गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर वे क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, अरे बानर, तूने किस कारण अशोक की वाटिका को तहस नहस कर दिया?
तूने किस कारण से मेरे सैनिकों को और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राणों प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरदूषण त्रिसरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए उन्हें मैंने मार डाला। अब भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को राम हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों न तेल में कपड़ों को डुबाकर उसकी पूछ में बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान की पूछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को माता सीता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। प्रभु राम से तू बंध। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कि कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वो रास्ता दे ताकि उनकी समुद्र सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र उनकी बात नहीं मानी। तब श्री राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वो आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे जल में मेरे में रहने वाले सभी मक्षलियां और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में दो वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करते ही किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम नाम का लिखकर समुद्र में फेंक कर देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। अगला अध्याय है लंका कांड। लंका में श्री राम की वानर की सेना। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चले गए। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और माता सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण और क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास चले गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, तो वे उस पौधे को पहचान न सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी
असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की प्रसत कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। अगला अध्याय है उत्तरकांड। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वह माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। अगला कांड है लवकुश कांड। लवकुश का जन्म। वही माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती है जिनका नाम लव और कुश दिया गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। अश्वमेघ यज्ञ। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। यह यज्ञ करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था उसे राज्यों में सम्मिलित कर लिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता को स्वर्ण मूर्ति भी बनवाया था। जब श्री राम को घोड़ा स्वच्छंद रूप से छोड़ा गया, तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव और कुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके पुत्र हैं। तब लव और कुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वह उनके पिता हैं। यह सुनकर लव कुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिल गए। इसके बाद वे माता सीता से आश्रम में जाकर मिले। उसके बाद श्री राम माता सीता और लव कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। पहली बात तो यह कि माता सीता का धरती में समा जाने का प्रसंग पर मतभेद और विरोधाभास है। पद्म पुराण की कथा में सीता माता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी श्री राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान श्री राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले और यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता का प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें, तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह सुनकर सुंदर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। कसाय वस्त्र धारिणी सीता की दिनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरे इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी। तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य दे करके बोले, हे मुनि, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे खुशी होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए हुए बोली,
मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाओं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को बैठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्व दृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से श्री राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के संतावना देकर समझाया। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक एक करके सब बैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुश अयोध्या के राजा सिंहासन सौंपा गया। आई होप रामायण का पूर्ण कथा का सार आपको समझ में आ गया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।